हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड केसरगंज स्थित पुरानी चौकी नाके के समीप शिव मंदिर तोड़ने का विवाद बुधवार को और गहरा हो गया। पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमित द्वारा तोड़े गए शिव मंदिर के भूखंड पर पालिका स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया गया। अतिक्रमित द्वारा पालिका स्वामित्व के बोर्ड को हटा दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही इसी दौरान सूचना मिलने पर तहसीलदार, पंचायत समिति के विकास अधिकारी, पटवारी मौके पर पहुंचे। साथ ही कथित भूखंड मालिक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। सीमा ज्ञान करवाने पर भूमि पंचायत समिति के स्वामित्व की पाई गई। इस पर पंचायत समिति द्वारा चार दीवारी के निर्माण के लिए नींव खोदने का कार्य शुरू किया गया। इस बारे में तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस पर तहसीलदार ने 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच करवाने का भरोसा दिलाया। एहतियात के तौर पर शहर कोतवाल मिठूलाल जप्ता मौजूद रहे। इस अवसर तहसीलदार मनसुख लाल दामोर, विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह सांधू, ब्लॉक समन्वयक वीरेंद्र त्रिवेदी, पटवारी वीरेंद्र व्यास, शिवसेना के नगर प्रमुख लाला राम खारवाल, हीरा भाई जोड़िया, हरी ओम चतुर्वेदी, संजय जानी, दीपक त्रिवेदी समेत पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।